हम सब ने ये वीडियोस देखी है एस्ट्रोनॉट के स्पेस वॉक्स की, जहां वो स्पेस स्टेशन से बाहर आते हैं और अपना काम करते हैं, जो भी हो, कभी मेंटेनेंस, कभी एक नया पार्ट ऐड करना, कभी कुछ फिक्स करना। काफी लोगों के एस्ट्रोनॉट बनने की ड्रीम्स ऐसे ही वीडियो से आई है। हमेशा इच्छा होती है कि हमें कब स्पेस वॉक्स दिखेगा, जब एक इंडियन एस्ट्रोनॉट हो जिसके स्पेस सूट के ऊपर एक इंडियन फ्लैग हो और वो स्पेस वॉक करेगा। काफी इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक कर चुके हैं, पर वो इंडियन अमेरिकन थे और उनके सूट के ऊपर अमेरिका का फ्लैग था, कभी इंडिया का फ्लैग नहीं था। तो काफी लोगों की आशा है कि जब गगनयान लॉन्च होगा, जो इंडिया का क्रूड मिशन है जहां हम एस्ट्रोनॉट स्पेस को भेजेंगे, कि हम भी एक स्पेस वॉक करेंगे। शायद आपके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज हो यहाँ पे, आप ही जज करो। तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे गगनयान स्पेस वॉक मस्ती के बारे में। तो दो बड़े प्रॉब्लम्स है सिचुएशन के साथ, सेकंड वाला ज्यादा बड़ा है, फर्स्ट वाला एक बार जान लेते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम ही है स्पेस सूट। अब ऐसी न्यूज आई थी कि इसरो ने जो रशिया के स्पेस सूट्स है उसको सिलेक्ट किया है। अब जो स्पेस सूट्स क्रू कैप्सूल के अंदर पहने जाते हैं उन्हें कहते हैं IVA स्पेस सूट। तो जो आप देखते हो इमेजेस, ये SpaceX का स्पेस सूट, ये रशिया का स्पेस सूट जो पहन के स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं, वो है एक IVA स्पेस सूट। मतलब क्या? इंट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। इंट्रा वेहिकुलर मतलब वेहिकल के अंदर, ये वेहिकल के बाहर पहनने के लिए रेटेड नहीं है। ये SpaceX का स्पेस सूट भी ये स्ट्रिक्टली वेहिकल के अंदर पहनने के लिए है। और ये स्पेस सूट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक इमरजेंसी डीप्रेशराइजेशन इवेंट हो लॉन्च के टाइम या कभी भी, तो उन्हें प्रोटेक्ट करें। ये स्पेस सूट जो है खुद में काफी डंब होते हैं। इनका जो मेन कंट्रोल होता है उनके सीट्स के ऊपर होता है, तो जो प्रेशराइजेशन वगैरह आते हैं इमरजेंसी के टाइम वो सीट्स के थ्रू आता है, और जो पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स वगैरह वो सीट्स के थ्रू। स्पेस सूट्स में थोड़ा बेसिक फंक्शनलिटी होगा, पर मोस्ट ऑफ इट जो है सीट हैंडल करता है। ये रशिया के इसमें भी सेम है और अपने SpaceX के स्पेस सूट्स में भी सेम, तो सीट डिपेंडेंट फंक्शनलिटी काफी है। तो ये स्पेसक्राफ्ट के बाहर के लिए नहीं है। तो जो स्पेस सूट्स हम देखते हैं एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक करते हैं, उसे कहते हैं EVA स्पेस सूट। मतलब एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी स्पेस सूट, मतलब जो वेहिकल के बाहर करने के लिए होता है। अब ये स्पेस सूट कम एक स्पेसक्राफ्ट ज्यादा है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। ये ह्यूमन को ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, उसकी एयर क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है, उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, और उसमें थ्रस्टर्स भी लगाए होते हैं, सपोज आप निकल के दूर चले जाओ तो आपको वापस लाने के लिए वगैरह। ये काफी कॉम्प्लेक्स है, ये एक सेपरेट स्पेसक्राफ्ट डेवलप करने जैसे ही है, और इनके डेवलपमेंट के लिए काफी डेकेड्स लग जाते हैं, काफी साल लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और जब आप इंसान को किसी मशीन में डालते हो, वो भी स्पेस में, तो वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ऐसी कोई न्यूज नहीं है फिलहाल कि इसरो EVA स्पेस सूट डेवलप कर रहा है या किसी को टेंडर दिया है डेवलप करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसरो नहीं कर सकते डेवलप, डेफिनेटली कर सकता है, क्यों नहीं, अपने पास तो बेस्ट साइंटिस्ट है, पर इसे करने में टाइम लगता है। तो देखो, स्पेस में कुछ भी डेवलप करने को टाइम लगता है, और अगर वो चीज इंसानों को या ह्यूमंस को इन्वॉल्व करती है तो वो और भी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको प्रॉपरली टेस्ट करना हो सकता है, करना होता है, और रिस्क नहीं ले सकते ऐसे चीजों में। गारंटेड काम करनी चाहिए हर एक चीज स्पेस सूट के ऊपर, वरना वो इंसान मर जाएगा, सिंपल। तो मे बी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अगर जैसे हमने अभी रशिया का IVA स्पेस सूट लिया, वैसे मे बी रशिया का EVA स्पेस सूट थोड़े पॉलिटिक्स करने के बाद, अपने गवर्नमेंट्स के थ्रू कुछ नेगोशिएशन करने के बाद वगैरह वगैरह, चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है किसी वे में भी। शायद इसरो ही खुद का डेवलप कर ले, जल्दी कर ले। चलो सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं, जो और भी बड़ी है। सेकंड प्रॉब्लम है द कैप्सूल इटसेल्फ, मतलब कैप्सूल का डिजाइन ही अलाउ नहीं करता स्पेस वॉक के लिए। अब आप बोलोगे सीधा दरवाजा खोल दो, EVA सीट में बाहर भेज दो बंदे को या बंदी को, जो भी है, नहीं कर सकते ना। वैसे देखो, आपके स्पेसक्राफ्ट के अंदर काफी सारी चीजें होते हैं जिसे आप सडन डीप्रेशराइजेशन इवेंट को एक्सपोज नहीं कर सकते, जैसे पानी हुआ, खाना हुआ, काफी सारी चीजें होंगी जो वैक्यूम के लिए रेटेड भी नहीं होंगी अंदर स्पेसक्राफ्ट के, तो आप सीधा दरवाजा ऐसे खोल के नहीं जा सकते। इसलिए मोस्ट केसेस में स्पेस स्टेशन पे वगैरह एक एयर लॉक होता है। एयर लॉक क्या है? बेसिकली एक और कंपार्टमेंट समझ लो, तो आप उसका पीछे का पार्ट खोलते हो, एस्ट्रोनॉट अंदर जाता है, हमारे केस में व्योमानॉट अंदर जाएगा, पीछे से बंद होगा, फिर उसे डीप्रेशराइज करेंगे, हवा निकालेंगे, और फिर ऊपर का दरवाजा खोलेंगे ताकि फिर व्योमानॉट अपना बाहर जा पाए। अब गगनयान पे ऊपर हमारा डॉकिंग पोर्ट है, और मैं होप कर रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल डॉकिंग पोर्ट हो जो स्टैंडर्डाइज्ड है, ताकि किसी के साथ भी डॉक कर पाए। तो वो डॉकिंग पोर्ट पे एक हैच होना चाहिए मोस्टली, पर उसके ऊपर कैसे लगाएंगे हम लोग एयरलॉक, डिफिकल्ट है, क्योंकि जो गगनयान का फेयरिंग है, मतलब जो कैप्सूल के बाहर वाला पार्ट,
जिसके ऊपर लॉन्च एस्केप सिस्टम लगा हुआ है वो ऊपर अटैच होता है, तो हम एयरलॉक नहीं लगा सकते वहाँ पे, अनलेस एक काफ़ी कॉम्पैक्ट एयरलॉक डिज़ाइन करें वगैरह वगैरह। दूसरा सिचुएशन है एक डिज़ाइन ऐसा करें कि हम साइड में एक इन्फ्लेटेबल एयरलॉक लगा पाए। अब ये फर्स्ट टाइम नहीं है, जो पहला स्पेसवॉक हुआ था दुनिया का वॉशकॉर्ड 2 पे, जो एक सोवियत मिशन था, उसके ऊपर उन्होंने एक वॉशकॉर्ड जो कैप्सूल उसे मॉडिफाई किया था ऐसे कि साइड में एक इन्फ्लेटेबल एयरलॉक लगाया था, मतलब ऐसा एयरलॉक जो दबा रहे पर स्पेस में जाने के बाद हम उसे हवा डाल के बड़ा कर सके और फिर वो एयरलॉक बन जाए। तो उनके कॉस्मोनॉट एलेक्सी लियोनोव ये फर्स्ट स्पेसवॉक सक्सेसफुली किए, काइंड ऑफ सक्सेसफुली, समझाता हूँ काइंड ऑफ क्यों। तो वो एयरलॉक इन्फ्लेट किए, वो उसमें गए। अब सिंस ये पहली बार स्पेसवॉक कर रहे थे तो उनके पास काफ़ी डेटा नहीं था, राइट। तो जब बाहर गए उन्होंने किया स्पेसवॉक, वो लाइव टेलीकास्ट वगैरह किया, फिर उनका स्पेस सूट जो है वो इन्फ्लेट होने लगा। अब उन्होंने कभी स्पेस सूट टेस्ट नहीं किया था, ये सब फर्स्ट टाइम था जो अजम्पशंस पे ही किया था। इन्फ्लेट होने लगा हीट के वजह से, तो उन्होंने प्रेशर ड्रॉप किया तो स्टिफन हो गया था थोड़ा। तो उन्हें वापस अंदर आते वक्त स्पेसक्राफ्ट के काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई और थोड़ा बहुत डैमेज भी कर लिया। तो जो उनका मेन हैश था वो सील नहीं हो रहा था प्रॉपरली। अब उसके वजह से फिर वो अजीब गरीब बैठे स्पेसक्राफ्ट के अंदर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुआ और कहीं और ही लैंड हो गए वो लोग। और फिर वहाँ से रेस्क्यू करना डिफिकल्ट रहा, वो -5 में पूरे रात सोए। इसके ऊपर एक मिशन है, मूवी है द स्पेस वॉकर करके, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए। अब मुझे लगता नहीं इतने सालों से जितना देख रहा हूँ मैं इसरो को कि ये डिज़ाइन चेंज पे जाएंगे अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्योंकि आगे जाके इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन एनीवेज बना रहा है। अब वो इतने जल्दी नहीं होगा, 2030 के आसपास का प्लान है, उसके ऊपर मेरा वीडियो है स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन के ऊपर, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है बड़ी, पर मेरे पास एक सलूशन है काइंड ऑफ, मतलब एक ऐसा मेरा खुद का जुगाड़ ही समझ लो इसे। गगनयान का स्पेसक्राफ्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो सिमेट्रिकल है और बीच में एक सिलेंडर है, स्ट्रक्चरल सिलेंडर जिसके ऊपर डॉकिंग पोर्ट लगा है। तो अगर इसरो एक इन्फ्लेटेबल एयरलॉक डिजाइन करती है जो रिवर्स है, मतलब जो अंदर खुलता है, तो मे भी हम कर सके ये। अगेन मे भी, ये बस मेरा जुगाड़ है, मैं आपके भी आइडियाज सुनने को तैयार हूँ। आपके पास कोई आइडिया तो मजा आता है, कमेंट सेक्शन मस्त है गरीब साइंटिस्ट के ऑडियंस का, और मैं रिप्लाई भी करूँगा। तो आपकी आइडिया ज़रूर बोलो मेरे को, और आई होप आपको समझ ही गया रहेगा कि इंडियन स्पेस वॉक को थोड़ा टाइम लगेगा। मे बी अगर हम गगनयान स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करें और उनका स्पेस सूट यूज़ करें, EVA स्पेस सूट, तो मे बी, पता नहीं। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला, और अगर पॉसिबल हो तो ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन जाओ। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिका देवाल, बुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, हरमन संग, नारायण प्रसाद, सुमित रौंडाड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गंगनदीप भाटिया, मार्क सेवन, संदीप रामकृष्णन, वीव, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव, कुजवी मेहता, आकाश पाटिल, विक्रम वर्मा और तन्मय देशपांडे।